आपके इसकेस में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा राजस्थान की सीमा मुंडा का बॉर्डर पर तैनात हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर ट्रैफिक यातायात पुलिस नुहू मेवात द्वारा जो चालानिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। मेरे पीछे आप तरीके से जो है पुलिस के जवान यहाँ पर अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, SHO ट्रैफिक नुहू मेवात श्री धर्मवीर सिंह की अगुवाई में यहाँ चालानिंग प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है पुलिस के जवान लोगों को समझाते और कोरोना काल में जो मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। वाहनों पर नियमों का नहीं पालन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का चालानिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं, विदाउट सीट बेल्ट ट्रिपल राइडिंग सवारी और जो नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस द्वारा लगातार जो है अभियान चलाया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि SHO ट्रैफिक श्री धर्मवीर सिंह का साफ कहना है कि ओवरलोड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, SP नरेंद्र सिंह बिजाने के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए यातायात पुलिस द्वारा यहाँ चालानी प्रक्रिया लगातार जारी है। हम कुछ नहीं करेंगे अधिकार हरियाणा बॉर्डर यहाँ तो किस चीज़ के चालान किया जा रहा है? ये रूटीन चेकिंग है जी, हेलमेट सीट बेल्ट प्लेट ओवरलोड सब चीज़। अच्छा, ये लगातार अभियान चलता है मेवात पुलिस का यहाँ। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि विदाउट हेलमेट वगैरह जो कागजात अपने वाहनों के साथ में पूरा नहीं रखते ऐसे वाहन चालकों मालिकों के खिलाफ यहाँ लगातार धरपकड़ी अभियान लगातार जारी है और चालानिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे साथ अभी विवेक रावत है जो ट्रैफिक पुलिस से हैं जो जो है यानी कि चालानिंग प्रक्रिया चलाई हुई है। करना चाहूँगा उधर कोरोना काल में जो लोग अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाते ऐसे लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पर चालानिंग प्रक्रिया लगातार जारी। सर, हरियाणा राजस्थान की सीमा पर यातायात पुलिस द्वारा जो है चालानिंग प्रक्रिया जारी है, किस चीज़ के चालान किए जा रहे हैं? विदाउट सीट बेल्ट के चालान किए जा रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग के चालान किए जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट के चालान किए जा रहे हैं, मास्क के चालान किए जा रहे हैं, अंडर एज जो बच्चे हैं उनके भी चालान किए जाते हैं, विदाउट नंबर प्लेट के भी चालान किए जाते हैं और जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसके भी चालान किए जा रहे हैं। तो सर, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, कुछ वाहन चालकों को अभी तक ये पता नहीं क्या होती है, तो इनको समझाया गया, अखबार में भी रोजाना आ रही है और मोबाइलों पे भी लोगों ने डाल रखी है व्हाट्सएप पे, तो अब नहीं देखेंगे तो ये जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है जो हाई स्कूल 2010 के बाद के जो वाहन हैं उनको सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। सर, ओवरलोडिंग की बात की जाए तो मेवात में ओवरलोडिंग की समस्या आज भी जो है पुलिस ने लगाम भी लगाई है बल्कि थम नहीं रही। ओवरलोड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जो भी ओवरलोड गाड़ी होगी उसका इम्पाउंड किया जाएगा, उसे सीज कराया जाएगा, माइनिंग का चालान किया जाएगा।